मेरिया मातावां ते भैणां गज के बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं हुण किरपा करके कहांगा स्टेज ते भी जिन्हें बैठे आगू साहबान ये जिहड़ी गलबात करनी हुंदी है पिछे जाके कर लिया करो, किरपा करो जरा कि स्टेज ते भी शांति रख्या करो। तुसी बधाई दे पात्रों, तुसी ये मोर्चे नू जित लिया, जितते पए हो। जिमें रविंदर वीर कह के गया कि थोड़ी जी पूछ बाकी है, बाकी सब कुछ तुसी जित लिया। तिने कानून जेड़े वो कहिंदा सी वापस नहीं करने वो उसने वापस कर लेने। आ ट्रैक्टर वाले वीरां नूं बेनती है कि जरा डैक बंद कर लिया करो जो स्टेज के लागे आने होंने है, उधर बथेरा तुहाडे कोल टाइम डैक बधाउण नूं, स्टेज लागे डैक जरूर बंद कर लिया करो। आ कमेटी वालिआं नूं मैं कहांगा, वलंटियर वीरां नूं भी उन्हां नूं कहो वे डैक बंद करो पहलां, स्टेज के लागे आ गए डैक ना मर्यादा स्टेज की इनू चलन दिया करो। मैं कह रहा सी कि तुसी जित दे करीब हो, जिते हुए हो, थोड़ी जी कसर बाकी है, कोई गल नहीं, ये भी जित के मुड़ांगे। पंजाब दे 32 दे 32 कट्ठे ने ते संयुक्त मोर्चा कट्ठा है, बिल्कुल जित के कट्ठे मुड़ांगे। मैं अज स्पैशल इस करके आया स्टेज ते कि कई भ्रम फैलाए जाते ने कि भाई पंजाब वालों का मसला हल हो गया, पंजाब वाले चले ने। कोई नहीं चलिया, पहली गल तो यह है सारे ही इत्थे ने, 32 दे 32 इत्थे ने। दूजी गल, पंजाब वालों का कल्लियां का मसला नहीं सी वीरो, तीनों काले कानून पूरे भारत ते लागू होने सन, पंजाब वालों ने मोहरे होके लड़ाई लड़ी है ते पूरा भारत तुहाडे नाल होके लड़िया, पर ये तीनों कानून किसे किताब च नहीं सी लिखिया कि कल्ले पंजाब च लागू होने ने, पूरे भारत च लागू होने सन, पूरे भारत दे वापस कराए ने तुसी। सत श्री अकाल। मैं तद कह रहा हां कि सारियां नूं पता होना चाहिए, कई बुलारे इतो स्टेज तो बोल जाते हैं कि पंजाब वालों का मसला हल हो गया, पंजाब चल जाऊ, बाकिया ना धोखा हो जाऊ। किमें धोखा हो जाऊ जे असी कट्ठे हैं? तो बिल्कुल धोखा नहीं होने देंगे, कट्ठे हाँ, बिल्कुल एकदम कट्ठे हैं। पंजाब वालों ने मोहरे होकर लड़ाई शुरू की, पूरे देश के कानून वापस कराए ने, पूरे देश के लागू होने सन, पूरे देश के किसानों का कान होना सी, पूरे देश के लोगों ते लागू होने सन। इस करके जिहड़ा भी बुलारा इत्थों आके कवे कि केवल पंजाब वालों का मसला हल हो गया, बिल्कुल उहदी गल ते गौर ना करिया करो, इहदा मतलब कोई उहदे मगर साजिश दी बू है, इस गल का ध्यान रख्या करो। केवल कल्ले पंजाब का नहीं, पूरे भारत के कानून वापस होए ने। MSP लेनी है, सानू भी लोड़ है। पंजाब का पानी अज चल गया थले 250 फुट तक, जदों MSP मिलेगी तो असी झोना छड़ देंगे बीजना, साड़ी बाकी फसलों की कीमत मिलेगी। इस करके MSP लेनी है, पर MSP का MSP का एक प्रोसैस है वीरो। मैं अज तद कह रहा हाँ कि सारी गल तुहाडे नोट होनी चाहिए है। मैं सैकटरी साहब को माफ़ी मांग लाँगा, 2 मिनट वाधू लेने ने। MSP का एक प्रोसैस है, उस प्रोसैस चो हो के गुजर के MSP बननी है। सरकार ने कह दिता MSP बन गई, MSP नहीं बननी। असी कहने हफ्ता 2 हफ्ते महीना रुक लीए, सरकार कह दूगी MSP बन जानी, नहीं बननी। MSP का एक प्रोसैस है, पूरिया स्टेटा दे कोलों अंकड़े कट्ठे किए जाने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की है, पंजाब की अलग है, बिहार की अलग है, कर्नाटका की अलग है, कितने लेबर घट है, कितने खाद का रेट घट है, किते तेल का रेट घट है, किसे स्टेट च बद है, लेबर बद है, तेल का रेट बद है, खाद का रेट बद है। अंकड़े सारे कट्ठे करने ने, कट्ठे करके फिर MSP ते खरड़ा तैयार होना है, फिर लोकसभा च जाना है, लोकसभा ने उन्हें प्रवानगी देनी,
फिर मुड़ के स्टेटा च जाना है, स्टेटा दियां जिहड़ियां विधानसभा उन्होंने सैशन बहने उन्होंने अगर कोई त्रुटि हो किसी स्टेट के मुताबिक वह कढ़ी जानी उत्ते ऑब्जेक्शन होना है, फिर ऑब्जेक्शन निकलना है। एक प्रोसैस है, ऐ कह देना एम एस पी ऐ कह के धक्के ना एम एस पी उन्होंने कह दें कि अनाउंस कर दौ फिर आके बह जाएंगे इनू रिपील करो रद्द करो सानू नहीं चाहिए। उत्ते बिल्कुल एक कमेटी बनेगी जिहड़ी उहदी जांच रखेगी जिहड़ी साडे पक्ष की एम एस पी बने जिहड़ा कानून वो साडे पक्ष का बने वो साडे पक्ष के अधिकार खेत्र की होणगे वो सारा कुछ तय हो फिर एम एस पी का कानून बनना है। इस करके वास्ते सरकार नू टाइम बाउंड दिता जाए कि टाइम बाउंड किया जाए इन्ने समय के एम एस पी जी है वह तय की जाए और वास्ते सरकार अनाउंस करे कि जी कमेटी बननी है वह केवल एम एस पी के कानून बनाने वास्ते बननी है। वास्ते एक कल कमेटी बनाई गई है संयुक्त मोर्चे ने रल के बनाई है पांच मैंबरी कमेटी सरकार नाल गल करने नू सरकार नाल गल करूगी लिखती च लूगी आ नहीं मोदी का जिहड़ा बयान गोल मोल है एम एस पी का लिखती च लिया जाऊगा कि एम एस पी ते कानून बन जा रहा है उहदे वास्ते कमेटी बनी है। इस करके ये सारे प्रोसैस चो होके गुजरना है ये तुहाडे ध्यान च होवे एम एस पी पंजाब नू सख्त लोड़ है बाकी स्टेटां नालों भी वध लोड़ है। मैं पहला भी कहा कि साडा पानी 250 फुट डूंगा चला गया होर किन्ना क डूंगा ले जाना है एम एस पी सारिया फसलों पर मिलेगी तो फसली चक्कर चो असी थोड़ा जहा बदल लाँगे झोने नू छड़ के सरों बीज सकते हो तुसी सूरजमुखी बीज सकते हो दाला बीज सकते हो जे तुहानू पूरी एम एस पी मिले। इस करके साड़ी भी डिमांड है बिल्कुल पंजाब नू पंडन की कोशिश है आर एस एस की वह नहीं चाहते कि सिख कौम जित के मुड़े पिछे नू आर एस एस कोझियां साजिशां रच रही है कि पंजाब चलिया कितने नहीं पंजाब चलिया। संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी जदों फैसला होगा सारे कट्ठे जावांगे जिवें बूटा सिंह जी कह के गए सारे कट्ठे जावांगे यूपी वाले यूपी नू हरियाणे वाले हरियाणे नू उत्तराखंड वाले केरला वाले ते पंजाब वाले फिर चाले पाउणगे पंजाब नू। इस गल का यकीन करिया करो किसे की गल चाहुण की लोड़ नहीं इत्थे भी अफवाह हो जांदियां कि आ चार आगू ने इन्होंने को चिट्ठी लिख दित्ती आ चार आगू ने ये जाना चाहते ने ये आर एस एस दियां शरारतां ने कि तुहाडे च फुट पाई जाए तुहानू वंडिया जाए बिल्कुल कट्ठे हैं जदों जावांगे कट्ठे जावांगे इस गल का ध्यान करियो बत्ती दे बत्ती शंभू तो कट्ठे जाणगे बिल्कुल परवाह ना करो इत्थों कट्ठे तुरंगे। इस करके बिल्कुल दृढ़ता दे नाल मैं अपील करांगा जिहड़े वीर कई लगता कि मेरी रौला पै जांदा मैनू तां वैसे बहुता नज़र नहीं आई इदां दी गल कि ट्रालियां समान लद लिया उन्हां नू अपील करांगे वीरो किसे ने नहीं हिलना हजे कदे मोर्चा नहीं हिलाउणा हले जिन्ना चिर संयुक्त मोर्चे की कॉल नहीं आउंदी स्टेज तो अनाउंस करांगे खड़के फिर मोर्चा हिलूगा उन्ना चिर कोई भी एक पैर ना पंजाब वालों पट्टे जे पंजाब वालों पैर पट्टोंगे तो फिर पंजाब की तोहीन होएगी बिल्कुल ही किसी ने पैर पट्टना कट्ठे चलांगे। इत्थे स्टेज तो कहांगे पंजाब वाल चलना चाले पाउणे हैं फिर चलांगे कट्ठे बत्ती दे बत्ती कट्ठे चलांगे। मेरे वीरो इस गल का ध्यान रखो बत्ती कट्ठे ने जिन्नियां मीटिंगा हुई बत्ती कट्ठे बहिंदे ने कल सारा संयुक्त मोर्चा कट्ठा बैठा है कट्ठिया ने हमसला हो के पांच मैंबरी टीम एक कड़ी है एक गुलदस्ता बनया है एक छतरी बनी है किसानी के उपर कदे नहीं टुटन देंगे सरकार जिन्नियां मर्जी साजिशां कर लवे जिन्नी मर्जी आगुआं नूं बदनामी दे दवे एक साल हो गया ये कच्चे ने ये पिले ने यह पैरों के पहार नहीं देंदे ये ऐ करते हैं ये ओं करते हैं इन्हों ट्रैक्टर से बन के लै जाएंगे मोर नूं इन्हों लाठियां ना कुटांगे इन्हों दे छित्तर पैने चाहिए ने पर बत्ती कोई हिलिया इतों इतें ही ने ना है कि नहीं हथ खड़े करके दसो भाई है कि नहीं फिर यकीन करो कि बत्ती दे बत्ती कट्ठे जाणगे बिल्कुल परवाह ना करो एक फैसला लवेंगे एक सुरता च होके लवेंगे तो फिर ही मोर्चे की फतेह बुलावेंगे तुसी जित दे करीब हो जिते हुए हो बस कुछ दिनों की खेड बाकी है सबर नाल
यकीन नाल सारे बैठो, एक सुरता च कट्ठे होके जाना है। सो पांच चार नारे लाने कट्ठे होके लायो, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, बोले सो निहाल। और वीर जी एक मेरे है करके बैठे, मगर कहते बई कौम का जिकारा यार, तुसी बड़े हो मेरे तो उम्र च, मैं माफी चाहवागा, पर कौम का जिकारा गज के बुलाया करो, हथ खोल लिया करो, ता आना चाहिए। मोदी नूं पता लगे अज भी उन्ना ही करंट बाकी है। मैं चंगा लगे एक दिन मैं इत्थे गया ते रात नूं साडे नौजवान भंगड़ा पा रहे ने, मैं क्या मोदी कहिंदा होणा किहो जी मिट्टी दे बने हो, एक साल हो गया भंगड़े ही पाई जांदे, भंगड़े ही पाई जांदे, एक कौम दी तुहाडी दी चढ़त है, चढ़त है। इस करके जकारा भी गज के बुलाया करो, दिल्ली तक पहुंचे, मोदी नूं पता लगे उन्ना ही करंट है, इन्हां च हजे रीण नहीं कटिया, ऐ एक बोल्ट भी नहीं कटिया, बधे ने अगे नूं 440 दी बजाय पुप्पर नूं जा रहे ने। बोले सो निहाल। ऐदां रिहा करो चढ़दी कला च। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।